हाय, मेरा नाम नरेंद्र मिश्री और मैं एग्जाम एक्सपर्ट हूँ। ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने कंप्यूटर साइंस में चेन्नई से, और मैं आज आपको जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है साइबर क्राइम्स। हर दिन हर जगह हर घर पे कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा है, और साइबर क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम हो रहा है जो अभी हर घर पर आप देख पा रहे हो। अब कुछ साइबर क्राइम्स में मेरे खुद के दोस्त फंसे हुए हैं जिन्होंने मेरे से बात करी है और बताया है कि साइबर क्राइम्स किस तरीके से उनके जीवन को हैम्पर कर चुका है। मेरे खुद के भैया हैं, उनके साथ भी साइबर क्राइम हुआ है। उनके साथ उनको बस एक ओटीपी आया था, टू बी ट्रू उनकी स्टोरी इस तरीके से, उनके एक ओटीपी आई थी। ओटीपी उन्होंने खोला और उसमें एक लिंक था, उस लिंक पर उन्होंने क्लिक किया और विद इन 15 सेकेंड्स के अंदर उनके अकाउंट से 20,000 रुपये उड़ा दिए गए। उसके बाद आप कंप्लेन करते रहो, आई डोंट थिंक कंप्लेन का कभी कोई असर आया है क्योंकि वो पैसे तो आपके अकाउंट से जा चुके हैं और जिस अकाउंट में भी वो डिपॉजिट होते हैं वहाँ से भी वो विड्रॉ हो जाते हैं इमीडिएटली। सो इवन बैंक्स आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास कोई इंश्योरेंस हो साइबर क्राइम के अगेंस्ट। ना एक टाइप का साइबर क्राइम तो ये हुआ, दूसरा एक OLX में आपका साइबर क्राइम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर आप OLX में कभी कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको कभी कभार ऐसा एक डील मिलता है जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। वो डील किसी भी चीज़ पर हो सकता है, जैसे कि मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर, 2 साल पुरानी बात है, और उस समय की उस बंदे को एक सेकेंड हैंड गाड़ी की ज़रूरत थी। वो बंदा वैगनार पहुँच रहा था एंड वैगनार उसको मिली 1,30,000 के अंदर में, उसमें एडवर्टाइजमेंट था 1,30,000 पे वैगनार अवेलेबल है, यहाँ से नियरली 250 किलोमीटर दूर। बंदे ने फ़ोन मारा तो सामने वाले बंदे ने बोला कि हमें आर्मी का बंदा हूँ एंड 1,30,000 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अर्जेंटली पैसे की जरूरत है और मैं यहाँ से स्विच कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो हम लोगों ने मतलब उसने उनसे बात करी, उनसे बात करके उनको लगा डी कि हाँ हो सकता है, इट्स काफ़ी अट्रैक्टिव डी। और बंदे ने भी डेडलाइन दे दी कि भैया आपको लेना है तो 2 दिन में आप पेमेंट कराओ और गाड़ी ले जाओ क्योंकि मैं परसों निकल रहा हूँ। यहाँ पे उसने जल्दबाजी में सारा काम किया, उसने पैसा भी इकट्ठा किया और जब ट्रांसफ़र करने की बारी तो लकीली मेरी से बात हुई। जब मेरे से बात हुई तो मैंने उसको पूछा कि अरे यार तुम ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स मंगाओ। एक लॉजिकल थिंकिंग था कि बंदा आर्मी से है कि नहीं। लॉजिकली उस बंदे ने, मेरे दोस्त ने बंदे से डॉक्यूमेंट्स मांगे और बंदे ने अपने आर्मी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ किए। उसकी ID थी उसमें, वो कहाँ काम कर रहा है उसकी डिटेल्स था, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड उसने शेयर किया हमारे। बट स्टिल मेरे को इसमें कुछ फिशी लगा क्योंकि 20,000 किलोमीटर चली हुई वैगन आप 1,30,000 के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो, इम्पॉसिबल डील है। वो गाड़ी को पूरी तरीके से हैम्पर कर, बस स्टिल गाड़ी की जो फोटोग्राफ्स वाली डाली हुई थी वो सब बहुत बढ़िया थी। वो तो ये चीज़ हुई, फिर हम लोगों ने उनसे बात करी, बट आई वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि नहीं यहाँ तो कुछ फिशी लग रहा है। एंड देन वी डिड वन थिंग कि हमने उनको बोला कि ठीक है भैया आप ये गाड़ी रखो, हम आज यहाँ से निकल रहे हैं, कल सुबह आपके पास पहुँच रहे हैं, कल सुबह आपकी वहाँ से गाड़ी कलेक्ट कर लेंगे और पेमेंट आपको कर देंगे। देन ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है ये चलेगा बट आप लोग को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। हम बोले अंदर क्यों नहीं आने दिया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि भैया अंदर आने के लिए आपको पास चाहिएगा, पास के लिए आपको 1,500 रुपये लगेंगे, वो पास करवाने के लिए आप हमें 1,500 रुपये पहले अभी ट्रांसफ़र कर दो ताकि मैं कल सुबह आपका पास रेडी रखूँ अंदर आने। तो ये भी हुआ, तो फिर हमको लगा नहीं हाँ तो कुछ गड़बड़ है यार, 1,500 रुपये एंट्री पास का गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आर्मी कैंटीन मतलब आर्मी कैंप के अंदर घुसने के लिए 1,500 रुपये का पास, ये पहली बार सुनने में आया था। सो ये चीज़ हुआ एंड फिर पता चला कि नहीं ये पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके एक तरीके से मैं खुद फंसने वाला था क्योंकि मैं अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहा था उस चीज़। तो इस तरीके से होता है, हर दिन एक नया टाइप का स्कैम आता है और हर दिन हम कहीं ना कहीं फंसते हैं। एक स्कैम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्कैम भी पिछले 2-3 साल से काफ़ी एक्टिव है। इस स्कैम में होता ये है कि आपके नंबर पे कोई बंदा भूल से आपको जीपे करता है या कोई भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, 1-200 रुपये या 300 रुपये का ट्रांजेक्शन करता है, फिर वो आपको फ़ोन करता है कि भैया अरे मिस्टेक से ना आपके पास 200 रुपये 300 रुपये चले गए। देन इट सेज कि भैया एक काम करो मैं आपको एक वापस लिंक भेज रहा हूँ, आप इस अकाउंट में वो पैसे रिफंड कर दो। उस समय वो क्या करता है, वो अकाउंट में जब रिफंड करने की बात आती है
वो उसमें 200 रुपए की जगह 2000 रुपए या 20000 रुपए डाल के बेचता है। वो मनी पूछता है, जब वो पूछा जाता है तो आप उसमें अगर यस कर देते हो तो आपके अकाउंट से इमीडिएटली 20000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। ये एक अलग तरह का स्कैम है। इसमें और एक स्कैम ये चल रहा है जहाँ पे आपसे कस्टमर बन के बात किया जाए, वो बंदा आपसे कस्टमर बन के बात करेगा, आपकी डील फाइनल होगी, आप उनको बोलोगे हाँ ठीक है भैया आप या तो फुल एडवांस कर दो या हाफ एडवांस कर दो, देखो ट्रस्ट बेसिस पे बात होती है। तो चलो आपसे उनसे बात हुई, वो नेगोशिएट भी करेगा आपके साथ, आप समझो कि हाँ जेन्युइन बंदा है, क्योंकि अगर नेगोशिएशन नहीं करे तो जेन्युइनिटी प्रूव नहीं होती किसी की। तो नहीं, बंदा जेन्युइनिटी प्रूव करेगा, आप उसको बोलोगे ठीक है भैया एक काम करो आप हमको 50% या फुल एडवांस पेमेंट कर दो, एडवांस अमाउंट आपका 15-20 हज़ार का होता है, आप बोलते हो हाँ ठीक है 15 हज़ार की अमाउंट है, वो बंदा बोलेगा ठीक है आप अपना जीपे से मेरे को भेज दो, तो आप बोलोगे कि नहीं जीपे से कैसे भेजो, तो वो बोलेगा कि मैं आपको जीपे में रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अब वहाँ से मेरे को आप हाई लिख के भेज दो और एक्सेप्ट कर लो और OTP आएगी, OTP दे देना आपका अकाउंट में पैसा घुस जाएगा। जबकि होता ये है कि वो बंदा जो आपको रिक्वेस्ट भेजता है रिक्वेस्ट आपके लिए नहीं होता, वो रिक्वेस्ट उसके लिए होता है। जहाँ पे आप पेमेंट रिसीव करने का आप जो कोई भी UPI साइट्स पे जाते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, पे एंड रिसीव। रिसीव अगर आप दबाते हो और आप वो लिंक किसी को सेंड करते हो तो बंदा जब उसमें अमाउंट लिखता है या अमाउंट प्रीडिफाइंड होता है और आप उसमें पे करते हो तो वहाँ पे जब पे करते हो तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जाता, वो पेमेंट आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में जाता है। तो इस तरीके का एक स्कैम होता है और एक इस तरीके का एक अलग स्कैम चलता है। इसके अलावा और भी स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स और भी बहुत टाइप के होते हैं यार मार्केट में। आप ले एक तरीके एक स्कैम हो रहा है जिसके बारे में बताना चाहिए, बहुत सीरियस स्कैम हो रहा है करंटली, इसमें ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व है। इसमें आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जाता है और इसमें आपका ब्लैकमेल करके आपको लूटा जाता है। अब लिव नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, आर्टिफिशियल चीज़ें सब चरम सीमा पे चल रही है जो अपने हिसाब से है, बहुत अच्छी चीज़ है। आज से 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर आप देखोगे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सारा काम आपके रोबोट्स कर रहे हैं, सब आर्टिफिशियल इंजीनियर्स के थ्रू काम हो रहा है, गाड़ियाँ खुद अपने आप चल रही होंगी, आपको ड्राइविंग तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोज है लेकिन इनके कॉन्स भी हैं। आर्टिफिशियल इंजीनियर्स बहुत गलत तरीके से कई इंजन यूज कर रहे हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। करंटली एक तरह का स्कैम नहीं बोलेंगे, एक ब्लैकमेल कम्प्लीट क्राइम होगी, तो स्कैम नहीं बोलेंगे और या आपसे कोई आपके अपोजिट जेंडर वो आपसे 3-4 दिन बात कर रहे हैं या इन टच विद यू फेसबुक हो या किसी भी मीडियम के थ्रू वो आपसे बात करते हैं, देन दे कम अप ऑनलाइन, दे टेल यू टू कम अप on a video call and they just require 5 seconds of a video, just 5 seconds of a video, just remember that. आपके उस 5 second में आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। वो 5 second के अंदर आपका जो video create होता है उसमें आपका एक portfolio create हो जाता है जो 3D structure ready करता है एक artificial intelligence machine। ये एक machine आपकी 5 second के अंदर इस तरीके का एक video create करता है, एक डेमो क्रिएट कर देता है, एंड देन उस डेमो को किसी भी वीडियो पे, जस्ट रिमेंबर किसी भी वीडियो पे फेस स्वैपिंग के थ्रू यूज किया जा सकता है। ये एक डार्क प्रोसेस है और नॉर्मली अभी ये पॉर्न वीडियोस पे यूज होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको 5 सेकेंड का वीडियो में आपका फेस किसी और बॉडी के ऊपर लगा दिया जाता है और एक वीडियो क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप मेरे या तो हमें पैसे दो या ये वीडियो आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं उनके पास भेज दिया जाएगा। अब बिलीव नहीं करोगे, ये एक केस हुआ है हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जान पहचानों के साथ, और इसलिए मैं इस सिचुएशन के ऊपर बात कर पा रहा हूँ कि हाँ ये एक बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है आर्टिफिशियल इंजीनियर्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यूज होकर ये क्राइम बहुत तरीके से काम चल रहा है। आपकी 5 सेकेंड की गलती है, जिंदगी भर का गलती निकल सकती है, तो आप सतर्क रहें, बी अवेयर आपका किस साइट पर आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल आपकी ज़िंदगी जितनी इजी कर रही है
आप याद रखना उतना ही आप इंटरनेट के जाल में फंसे जा रहे हो। सोशल मीडिया पे आप 50 आदमी से बात करते हैं, अननोन फ्रेंड्स बनाते हैं, वी मेक फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे, अननोन फ्रेंड्स बनाने के लिए ही आते हैं सोशल मीडिया पे, या अपने फ्रेंड्स जो ऑलरेडी हैं उनके साथ बात करने के लिए। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। वो सोशल मीडिया पे स्कैम ऐसे होता है कि आपका फ्रेंड का एक डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाया जाता है, एक फेक प्रोफाइल बनाया जाता है, और रात को 11-12 बजे के आसपास उस फेक प्रोफाइल से आपके पास मैसेज आते हैं कि भैया मैं अभी कुछ एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हूँ, कुड यू जस्ट हेल्प मी आउट विद इट, जस्ट फ्यू बक्स, 1000, 1500, 2000 बचे हो। आपको भी लगेगा भाई रात का 1-1.5 बज रहा है, बंदा अगर मैसेज कर रहा है तो कुछ सीरियसली मैसेज कर रहा होगा। आप भी बोलते हैं हाँ ठीक है ले ले भाई क्या हुआ, हम तो बोलते हैं कि भाई मेरा तो मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, यू डू अ थिंग, आप मेरे फ्रेंड के मोबाइल पे या किसी भी अननोन नंबर पे आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आप इस नंबर पे UPI ट्रांसफर कर दें, आप ट्रांसफर करते हो, फिर वो बंदा गायब हो जाता है, एंड दिस ऑल हैपेंस। ये भी एक स्कैम चल रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कैम जिसके बारे में हम आपस से बात करने आए हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यूज हुआ स्कैम। प्लीज नहीं करोगे, 5 सेकंड का वीडियो आपकी जिंदगी में बात कर सकते, इस टॉपिक पर आगे इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो से जितनी जानकारी सबके पास पहुंचे उतना लाभ हो सकता है। स्कैम्स के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ नया स्कैम आ रहा है, और हम चाहते हैं कि ये स्कैम्स रुके, कंट्रोल में आए, और मैं हम चाहते हैं कि आप आगे जाके अगर ये स्कैम्स होता है तो प्लीज़ 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 FIR लॉन्च करें। FIR करोगे तो ही साइबर क्राइम टीम इस आपके अगेंस्ट में, आपके रिपोर्ट के अगेंस्ट में जाके उन बंदों को कैप्चर। इसी के लिए एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि करंटली असम गवर्नमेंट ने भी आपका साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक सेल क्रिएट किया है, उस सेल को कॉन्टैक्ट करने के लिए उनका नंबर है 155260, आई रिपीट इट्स 155260। इस नंबर पे जाके आप अपने बैंक से अगर कोई ट्रांजेक्शन किया गया है और उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, उनको ब्लॉक करना चाहते हैं, और आगे ये ट्रांजेक्शन ना हो बोल के आप ब्लॉक करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप करवा सकते हैं। इसमें भी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको फर्दर ट्रांसफर्स के ब्लॉक करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आपका डिटेल्स एक बार किसी के पास पहुँच जाए तो एक नॉर्म्स है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बैंक्स ने भी लिमिट किया है कि आपके बैंक से अगर अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक लिमिटेड अमाउंट तक हो, समझो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये, लेकिन वो लिमिट आपके बैंक ने सेट की हुई 10,000 रुपये, तो वो एक टाइम पर 10,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकता है। तो उसको नेक्स्ट विड्रॉल करने के लिए 24 आवर्स या रात के 12 बज के 1 मिनट पे फिर से उसको नेक्स्ट विड्रॉल करना पड़ेगा 10,000 रुपये का, तभी जाके वो एक और सेकेंड विड्रॉल कर पाएगा। इस विड्रॉल को रिट्रीविंग विड्रॉल्स जो होते हैं, रिपीटिंग विड्रॉल्स जो होते हैं, उनको रोकने के लिए ये तरीका किया गया है। सो आई आस्क यू टू गेट अहेड, ऐसा कोई क्राइम होता है आपके साथ तो आप रिपोर्ट करें, लोगों को बताएं, अपने जानकार को बताएं, ताकि ये स्कैम्स को रुका जा सके। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ नरेंद्र मेश्वरी।